सरकार द्वारा 3 बिल किसान विरोधी संसद में पारित करवाकर हरित क्रांति को विफल करने का प्रयास कर रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयक समिति द्वारा आज दिनांक 25 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान था। इस बंदी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया व दुकानदारों से निवेदन कर भारत बंद कार्यक्रम को समर्थन किया। उसी कड़ी में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू व पूर्व विधायक अजय राय के आह्वान पर वाराणसी में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा लौरा बीर मार्केट की दुकान को दुकानदारों ने बंद करके भारत बंद का समर्थन किया। प्रदर्शन चल रहा है। आज हम सब बनारस कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, महिला कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस, सेवा दल, एनएसवाई, तमाम सारे संगठनों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किसानों द्वारा आयोजित जो भारत बंद है उनके आह्वान पर हम सब लोगों ने अपना समर्थन किया है। इसके तहत हम सब लोग बहुत ही गांधीवादी तरीके से हम लोग निकले, जरूर कांग्रेसजनों को लेकर के हम सब निवेदन करते हुए मार्केट बंद कराते हुए निकल रहे थे। प्रशासन द्वारा इस गेट पर रोका गया है और हम लोग गिरफ्तारी हुई है। अभी हमको चीफ इंस्पेक्टर से महोदय द्वारा बताया गया कि आप सबको कुछ अच्छे से रिहा किया जाएगा। हम सब यहाँ बैठे हैं और सामान्य थे। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया व प्रशासन ने कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की। तत्पश्चात निजी मुचलके पर कांग्रेस जन रिहा हुए। कार्यक्रम का संयुक्त नेतृत्व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने संयुक्त रूप से किया। काले किसान विरोधी विधेयक के खिलाफ, MSP छीनने वाले विधेयक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है। गांधीवादी तरीके से भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध कर रही है। दिया जाए MSP को समाप्त कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए, उस अध्यादेश, उस बिल को पढ़िए, उसमें सीधे सीधे आप बताइए, हिंदुस्तान में न्यायपालिका नाम की कोई चीज होती है? न्यायपालिका आदमी कोई पीड़ित गरीब शोषित लोग कहीं प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं तो न्यायपालिका की शरण लेते हैं। इस अध्यादेश में मैं केवल एक विषय का उल्लेख कर दे रहा हूँ, इस अध्यादेश में किसान न्यायपालिका की शरण में नहीं जा रहे। मैं आपके माध्यम से आगाह कर रहा हूँ कि ये अध्यादेश एक किसानों को सीधे सीधे मोदी जी अपने पूंजीपतियों के मित्रों के हाथों में गिरवी रखने की दिशा में पहला कदम है। आने वाले समय में आप देखेंगे किसानों के खेतों में अडानी और अंबानी का कब्जा होगा और किसान और हिंदुस्तान का आम नागरिक उनका गुलाम होगा। वह स्थानीय सरकार को आगाह करती है कि कांग्रेस जन किसान नौजवानों की लड़ाई उनके लिए संघर्ष जारी रखेगी। जेल मुकदमे से न कांग्रेस जन डरे हैं न डरेंगे। मोदी सरकार का किसान भाइयों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। अन्नदाता है देश का भविष्यदाता। MSP से खिलवाड़, किसी पर हमला, नौजवानों पर हमला नहीं चलेगा। किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश भारत सरकार लेके आई है उसी के विरोध में कांग्रेस जनों ने बनारस बंद का एक कार्यक्रम किया है। पूरा भारत बंद का चल रहा है तो हम बनारस बंद के यहाँ की मार्केट बंद कराई है। पुलिस वालों द्वारा जबरदस्ती इस सरकार का एक ही काम है, अंग्रेजों वाली स्थिति है कि किसी को भी शांति से भी प्रदर्शन नहीं करने देंगे और पुलिस के उद्यम से उस आवाज को दबा देंगे। क्या अभी बैठकर ही अपना आवाज बुलंद करेंगे कि फिर पुलिस वालों ने रोका और चूंकि हमको दंगा तो करना नहीं है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चूंकि रोक दिया, गेट बंद कर दिया, इधर उनको घेर लिया, तो हम वहीं बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध कर रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि जो बिल पास हुआ है बिचौलियों के लिए बहुत बिल्कुल गलत कह रही है सरकार, इतना गलत कह रही है सरकार, आसमान को धरती और धरती को आसमान बताने का दिन को रात, रात को दिन कह रही है। कभी भी बिचौलियों को ये कंट्रोल ही नहीं करना चाहते, बल्कि ये तो बिचौलियों से बड़े कॉरपोरेट के हवाले किसानों को करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारे किसान अपनी ज़मीन मजबूरन दे दें, इसके लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, खाद उर्वरक के दाम बढ़ाए गए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये सारा इसीलिए सिर्फ हो रहा है जिससे किसान मजबूर होकर इनके आकाओं को जो इनको चुनाव में फंड करते हैं उनको अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दे दें। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमींदारी प्रथा थी, वो जमींदारी प्रथा को तोड़ के कांग्रेस ने सबको ज़मीनें दे दी गरीबों को,
तो कांग्रेस पार्टी जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी और जमींदारी तोड़ के आम आदमी को मजबूत करने का काम कर रही थी और ये लोग सरकारी जमींदारी प्रथा थोप रहे हैं किसानों के ऊपर। किसानों के लिए अभी कितनी लड़ाई आप लोगों के लिए बाकी रहती है? किसानों के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था तो दो टाइम का भोजन नहीं मिलता था पूरे देश में, और कांग्रेस की ही देन है कि हरित क्रांति आई और पूरे देश में सरप्लस अनाज भंडारण है। इस पूरे लॉकडाउन में जो मोदी जी ने अनाज वितरण किया है वो भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इकट्ठा की गया अनाज है और वो भंडारण पूर्ववर्ती सरकारों का है जो ये बांट के वाहवाही मचा रहा है।